केंद्रीय वित्त राज्य एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सीएसआईआर हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीति के और कार्यक्रमों के कारण देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है। केंद्रीय वित्त राज्य एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र में हुई घटना को लेकर कहा कि जब कांग्रेस के पास मुद्दे ना हो तो औची हरकतों पर करने को उतरती है। सांसद चली तो वहां पर झूठ का पुलिंदा और इनका चेहरा बेनकाब होने का काम हुआ और कृषि कानूनों पर जितना झूठ बोला कांग्रेस की सत्र के दौरान पोल खुली। विधानसभा सत्र के बाद अगर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पूरा समय विपक्ष के पास होता है, अगर कोई कमियां आपको आलोचना करनी है तो आप कर सकते हैं, आप जो चाहे देश का दुनिया का विषय जहां पर रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इतनी औची हरकत करके हिमाचल को शर्मसार करने का काम कांग्रेस ने किया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को जल्दी समझना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, राज्यपाल से माफी मांगनी चाहिए और सत्र में भाग लेकर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोरोना महामारी का असर हुआ है। जब देश और दुनिया लॉकडाउन में थी और किसी को पता नहीं था कि कब तक इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कहा जान है तो जहान है, पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक अन्न देने का काम किया, धन की कमी गरीबों के लिए कहीं पर नहीं रखी और इसके अलावा 29 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए। अर्थव्यवस्था जब पहली तिमाही में -24.4% गिरी, दूसरे तिमाही में -7.7% और तीसरी तिमाही में विकास दर -0.4%, ये विशेष भी रिकवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीति के और कार्यक्रमों के कारण देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि $5 मिलियन इकोनॉमी बनाने का हमारा जो संकल्प है वे पूरा होगा और दुनिया भर की एजेंसी ने ये भी कहा है कि भारत 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 11.50% दर से विकास करेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट मिले, इंस्टीट्यूट आए, उतना ही हमारा प्रयास रहेगा और आप अब देखिए हमने लगातार एम्स, IIM आदि भाजपा की देन है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी को ध्यान से एक बार 2014 में जाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार के समय 12.12% महंगाई थी, मोदी सरकार के कार्यकाल में 4.5% से कम ही महंगाई हुई है। देखिए, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोरोना महामारी का असर हुआ जब देश और दुनिया लॉकडाउन में थी और किसी को पता नहीं था कब तक इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा जान है तो जहान है, पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक अन्न देने का काम किया, धन की कमी गरीबों के लिए कहीं पर नहीं रखी और इसके अलावा 29 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए। अर्थव्यवस्था जो पहली तिमाही में -24.4% गिरी, दूसरी तिमाही में थोड़ा सुधार होकर -7.7 पर आई और तीसरी तिमाही में पॉजिटिव विकास दर 0.4% आई। ये वी शेप रिकवरी जो हुई है ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति और कार्यक्रमों के कारण देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है। तो सर, जो टारगेट 2024 तक का है, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा और दुनिया भर की एजेंसी ने यह भी कहा है कि भारत 21-22 के वित्तीय वर्ष में 11.5% की दर से विकास करेगा। सर, शांता जी की किताब आई है, उसमें जो उन्होंने लिखा है, क्या उससे आप सहमति रखते हैं? मैंने ना किताब पढ़ी ना उनके विचार सुने। सर, एक हिमालयन रीजन को लेकर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया है तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल उस दौड़ में है। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इसके लिए प्रतिस्पर्धा की जा रही है, आपका क्या रहेगा उसमें? हिमाचल को जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट मिले, इंस्टीट्यूट आए, उतना ही हमारा प्रयास रहेगा और आप देखिए हमने लगातार
एम्स, आईआईएम, यहाँ ट्रिपल आईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, ये सारी की सारी देन है तो भारतीय जनता पार्टी की। सर लगातार महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए क्या प्लान है सर, चाहे गैस है चाहे पेट्रोल है, लगातार बढ़ मुझे लगता है सबको एक बार ध्यान से 2014 में जाना चाहिए। 13-14 में कांग्रेस की सरकार के समय 12-12.5% महंगाई थी, डबल डिजिट महंगाई। मोदी सरकार में 7 वर्षों में 4-4.5% से कम ही महंगाई रही। सर लगता है आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो सकती है? निश्चित तौर पर ये मार्केट ड्रिवन है, कभी बढ़ेंगे कभी कम है। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बड़ा मोर्चा खोल रखा है, सोशल मीडिया पर लेकर सड़कों पे उतर कर कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस को एक बार अपने कार्यकाल की ओर देखना चाहिए। जब 165 रुपए किलो दाल बिकती थी, आजकल केवल 65-70 रुपए किलो दाल है। उनके समय चीनी 56-58 रुपए किलो बिकती थी, 35 रुपए किलो चीनी। अनुराग जी बाकी वस्तुओं के दाम भी देखेंगे तो सारे दाम कांग्रेस के कालकाल से बहुत कम है।